हेलो गाइस, दिस इज प्राची और आज मैं 2009 में रिलीज हुई एक फ्रेंच हॉरर मूवी हाईलैंड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों, इसका ओरिजिनल फ्रेंच टाइटल वर्टेज है और मैं मूवी के बीच में आपसे एक धमाकेदार क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना है और जिसका आंसर सही हुआ उसे मैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगी। तो चलिए फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मूवी की स्टार्टिंग होती है 5 दोस्तों से जो की हाइकिंग और क्लाइंबिंग के ये जा रहे थे, जिसमें पहला कपल फ्रेड और कैरन है जो रॉक क्लाइंबर हैं और दूसरा कपल लुक और क्लोई हैं और पांचवा बंदा जो उनके साथ था उसका नाम विलियम है जो कि अभी सिंगल है। फ्रेंड्स, लुक हाइकिंग पे नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड क्लोई की काफी ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद वो फाइनली उनके साथ चलने को रेडी हो जाता है। क्लोई जो कि एक नर्स है, उसका एक दर्दनाक पास्ट है, उसकी वजह से उसके एक पेशेंट की जान चली गई थी जिसका गिल्ट उसे आज तक है। जहाँ वो खुद को इस गिल्ड से बाहर निकालने के लिए हाइकिंग पे आई हुई थी। हाइकिंग प्लेस पहुंचते ही उन सब के फोन के नेटवर्क्स चले जाते हैं और ये लोग एक छोटे हिल पर हाइकिंग करते हुए ऊपर की तरफ पहुंचते हैं जहां एक पत्थर पर अजीब सा सिंबल बना हुआ था और वहीं क्लोई एक पत्थर पे जाके बैठ जाती है जहाँ विलियम आके उससे बात करने की कोशिश करता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि विलियम उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और वो उससे बात करने के लिए मना करती है ताकि लोग को बुरा ना लगे। सुच इसके बाद सब हाइकिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लूक बहुत ही डरते हुए घबराते हुए आगे चल रहा था जहां वो लोग वायर से बने हुए एक पतले से ब्रिज पे पहुंचते हैं और एक एक करके उस पे आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फ्रेड सबसे पहले जाता है और उसके पीछे बाकी सब विलियम एंड क्लोई जाते हैं, लेकिन लूक बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो धीरे धीरे चल रहा था जहां पीछे से कैरिन और आगे से क्लोई उसे हिम्मत देते हुए आगे चलने को कहते हैं और फाइनली वो लोग ब्रिज के दूसरी तरफ जैसे तैसे करके पहुंच जाते हैं। लेकिन कैरिन जो कि अभी भी ब्रिज पर ही खड़ी हुई थी और साथ ही वो अपने कैमरे से पिक्स क्लिक कर रही थी जहां ब्रिज का तार धीरे धीरे खुल रहा था और जिसे फ्रेड देख लेता है, लेकिन वो उसे नहीं बताता ताकि वो पैनिक ना कर जाए और वो उसे बस जल्दी जल्दी आने को कहता है। लेकिन वायर टूटने ही वाला था इसलिए क्लोई जोर से चिल्लाते हुए उसे बता देती है जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और भाग कर आने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, तभी ब्रिज का बेस टूट जाता है और कैरिन लटक जाती है कि तभी फ्रेड अपना दिमाग लगाता है और उसकी तरफ रो फेंक कर जैसे तैसे करके उसे बचा लेता है। सो अब ये लोग बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके थे क्योंकि वापसी का तो कोई और रास्ता ही नहीं था और नेटवर्क्स भी वहाँ पे नहीं आ रहे थे जो ये लोग किसी को कॉल करके हेल्प बुलवा ले। तो अब आगे जाने के सिवा इनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था, लेकिन वो भी इतना इजी होने वाला नहीं था जितना कि दिख रहा था, इसलिए फ्रेड और कैरिन पहले जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक्सपीरियंस क्लाइंबर थे कि तभी फ्रेड का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जहां उसके पैर से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों अभी भी लटके हुए थे जहां डर के मारे लुक का पैर स्लिप हो जाता है और वो लटक जाता है। विलियम उसकी हेल्प करने के लिए जाता है लेकिन तभी वाइंडर भी टूट जाता है और दोनों वहीं पे लटक जाते हैं। वहीं फ्रेड कैरिन को कहता है कि मेरी चिंता मत करो, उन तीनों को जाकर ऊपर खींचो, जहां कैरिन जैसे तैसे करके रस्सी फेंकती है और लुक सबसे पहले घबरा कर ऊपर चढ़ता है, जिसके बाद विलियम और क्लोई भी ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिस चाल में फ्रेड का पैर फंसा हुआ था उसकी चेन को कोई खींचने लगता है और उसे वहां से घसीटता हुआ ले जाता है। उसके दोस्त वहां उसे ढूंढने के लिए आते हैं बट वो वहां पे उन्हें नहीं मिलता और सब आपस में बात करने लगते हैं कि रात होने से पहले हर हाल में उन्हें फ्रेड को ढूंढना ही होगा और वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि तभी क्लोई एक ट्रैप में गिर जाती है जो कि घास का गड्ढा था और उसे निकालने के लिए कैरिन अंदर जाती है और बाहर विलियम को डाउट हो रहा था कि कोई तो है जो उन पर नजर रखे हुए है कि तभी कैरिन जैसे ही अंदर पहुंचती है शॉक हो जाती है क्योंकि दोस्तों उस होल में घायल क्लोई के साथ साथ काफी सारे कंकाल भी थे। जहां वो जैसे तैसे करके क्लोई के हाथ में से फंसी रॉड को बाहर निकालती है, उसे बहुत दर्द हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ फ्रेड बेहोश हालत में नजर आता है जिसे खींच कर कोई लेके जा रहा था और यहाँ फ्रेड को ढूंढते हुए उन्हें काफी ज्यादा रात हो गई थी और कैरिन अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा टेंशन भी ले रही थी और वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है। लेकिन क्लोई उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि हम फ्रेड को किसी न किसी तरह से ढूंढ ही लेंगे, तुम टेंशन मत लो। और इन लोगों ने अपने आप को एक रस्सी के सहारे बांध लिया था ताकि कोई अलग ना हो जाए। वो जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं, सबसे पीछे कैरिन चल रही थी, उसे एक तीर आकर लगता है और साथ ही किसी ने उसकी रस्सी भी काट दी थी जिससे कि वो उन लोगों से अलग हो गई थी। जहां
क्लोई जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है और उसकी हेल्प करने के लिए जाती है, बट तभी कोई उसे पूरी तरह से खींच कर अपने साथ ले जाता है। ये सब लोग देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कैरन का पीछा करते हुए उसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे उन लोगों को कैरन के कपड़े मिलते हैं और वो एरो भी जिससे कि उसे मारा गया था। और काली अंधेरी रात में ये लोग इस खतरनाक जंगल में भटक रहे थे। ये तीनों जंगल से होते हुए एक कॉटेज के पास में पहुंचते हैं जहां अंदर जाते हुए सब दंग रह जाते हैं क्योंकि वहां पे फ्रेड मिलता है इनको, जो काफी ज्यादा बुरी हालत में था लेकिन वो अभी भी जिंदा था। वो ज्यादा देर तक जी नहीं पाता और सबके सामने ही दम तोड़ देता है। विलियम को कॉटेज में एक बेसमेंट मिलता है और वो अंदर की तरफ जाता है और फ्रेड का बैग ढूंढने लगता है क्योंकि उसमें ही फ्लेयर और सप्लाई का बाकी का सामान था। और जहां अंदर बैठते हुए उसे वॉल पे एंटोन नाम लिखा हुआ दिखाई देता है, जो कि शायद उसी साइको सीरियल किलर का था जिसने इनके दोस्तों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। वहाँ साइड में इंसानों के कटे हुए सर और कंकाल भी लटक रहे थे। सो जहाँ पर विलियम को फ्रेड का बैग मिल जाता है और वो उसे लेकर बाहर जाने लगता है, जहाँ पे लूक आ जाता है तो वो उसे सीरियल किलर एंटोन के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो विलियम को लात मार कर वही बेसमेंट में फेंक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विलियम क्लोई और उसके बीच में आए क्योंकि विलियम क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड था। सो इसलिए उसे मरते रहने के लिए वो उसे वहीं छोड़कर आ जाता है और क्लोई को लेकर जाने लगता है। पर दोस्तों आपने तो इंस्टेंट कर्मा के बारे में सुना ही होगा। सो यहाँ लूक के साथ कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि एंटोर बाहर था और वो कैरन की डेड बॉडी को लेकर आ रहा था। वो लूक और क्लोई पर अटैक कर देता है जिससे कि क्लोई तो बेहोश हो जाती है, लेकिन लूक एंटोन को मारने के लिए जाता है लेकिन उल्टा वही पिट जाता है। जहां क्लोई होश आने के बाद एंटोन पर अटैक करने लगती है लेकिन वो उसे मारने लगता है। सो जहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की वजह लूक उसे ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है फ्लेयर लेकर, वहीं दूसरी तरफ एंटोर क्लोई को बेहोश करके फिर से बेसमेंट में विलियम के साथ में बांध देता है, जहाँ होश आने पर वो खुद को आजाद करने की कोशिश करते हैं लेकिन एंटोन वहाँ आकर क्लोई को ले जाता है और विलियम भी जैसे तैसे करके खुद को खोल लेता है और विलियम बाहर निकलने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, बट बेसमेंट का दरवाजा तो बंद था जहाँ एंटोर क्लोई को मारने ही जा रहा था। लेकिन तभी लूक आ जाता है और उसे पत्थर मारकर वापस बाहर भाग जाता है, जहां क्लोई भी अपने आप को जैसे तैसे करके छुड़ा लेती है और विलियम को बाहर निकाल लेती है। वो दोनों लूक को बचाने के लिए जाते हैं जहां एंटोर अपने तीर से उसके पैर पे निशाना लगाकर उसे घायल कर देता है, लेकिन लूक फिर भी किसी तरह से जंगल से बाहर निकल जाता है। लेकिन एंटोर उसका अभी भी पीछा नहीं छोड़ता, वो लूक को जाके मारने लगता है, जहां वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे लटक जाता है कि तभी विलियम और क्लोई भी वहां पे आ जाते हैं, जहां विलियम उसे ऊपर की तरफ खींचता है लेकिन फिर उसे याद आ जाता है कि कैसे लूक ने उसे कॉटेज के बेसमेंट में जानबूझकर मरने के लिए फेंक दिया था, जहां वो रिवेंज लेने के लिए उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि उसका हाथ स्लिप हो गया, जबकि दोस्तों उसने ऐसा क्लोई को पाने के लिए और अपना रिवेंज पूरा करने के लिए किया था। जहां वो क्लोई को गले लगाकर दिलासा दे ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक तीर उसके सर के आर पार हो जाता है। क्लोई बचकर भागने लगती है जहां एंटोन उस पर भी तीर मारता है, बट वो बचकर नाइफ लेकर उस पर अटैक करने लग जाती है और उसे घायल करके वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे अपना वही पेशेंट याद आता है जिसकी गलती से उसके कारण मौत हो गई थी और इसलिए वो उसे नहीं मारती है और वो एंटोन को छोड़कर वहां से रोते हुए जाने लगती है और एक क्लिप की मदद से टूटे हुए ब्रिज के केबल के जरिए वहां से जा रही होती है। लेकिन तभी एंटोन उठता है और उसी नाइफ से केबल को काटने लग जाता है। सीन ही पे ब्लैकआउट होता है और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है, जहाँ साथ ही ये भी पता चलता है कि एंटोर 5 साल का था तो उसका किडनैप हो गया था। सो उसकी अपब्रिंगिंग की वजह से ही वो एक साइको सीरियल किलर बन चुका है और क्लाइंबिंग के लिए आए हुए लोगों को वो मारता है। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको मूवी के स्टार्टिंग में बताया ही था कि ये एक फ्रेंच हॉरर मूवी है और इसका ओरिजिनल फ्रेंच टाइटल व्हाट इज है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज का मीनिंग क्या होता है, और जिनका भी आंसर सही होगा उनके कमेंट को मैं शाउट आउट दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही दोस्तों जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो द स्पाइडर वे क्रॉनिकल्स नहीं देखी है वो फटाक से जाइए और देखिए, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।